अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पिक्सल ओएस, जी हाँ, जो कि एक टाइम पे अपने स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये अपडेट आया है और मैं आपको इसका वीडियो दे रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है और क्या वो सेम चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि एक टाइम पहले हमें मिलता था पिक्सल ओएस की तरफ से, वो भी यहाँ पर आपको पता चलेगा। और साथ साथ इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दूंगा कैसे इसे फ्लैश करना है, और प्रॉपर फ्लैशिंग गाइड का वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। स्मूथनेस तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी बेहतरीन आपको फील होगा इस रोम को डालने के बाद। जो यहाँ पे इसका रिस्पांस वगैरह है ना, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। क्यूएस के अंदर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी सही तरीके से काम करता है, और कुछ नए नए फीचर्स भी यहाँ पे जो ऐड हो चुके हैं जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। जैसे कि यहाँ पे मोड्स, जो कि आईफोन का फोकस मोड है, सेम उसी तरीके से काम करता है, जहाँ पे आप वेट टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो या गेमिंग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बाकी तरह चीज़ें भी सेट कर सकते हो जिसके हिसाब से आपका कॉल और मैसेज वगैरह है जो आपका मैनेज हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ साथ यहाँ पे बैटरी सेविंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे आया है जो कि अभी फिलहाल सभी में आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइका वाला कैमरा जो कि प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आता। मोस्टली यहाँ पे रोम के अंदर इसी का लफड़ा रहता है कि डिफरेंट कैमरा आ जाता है तो कैमरे के लिए हमें भटकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 4K का 60fps इनेबल नहीं किया गया, 30 ही है जैसा कि आपको स्टॉक हाइपर पे देखने को मिलता है। सेटिंग अंदर आते हैं और अबाउट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 15, जहाँ पे 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है। कर्नल वगैरह और बिल्ड नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख ही सकते हो। साथ साथ बैक और आते हैं तो आपको यहाँ पे सेटिंग अंदर भी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे फील होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार स्मूथनेस कह रहा हूँ, ये रियली में आपको फील होगा जब आप इसे यूज करोगे। अनदर यहाँ पे आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट तो देखने को मिलता है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। बाकी यहाँ पे इनहेंस पिन प्राइवेसी, ऑटो कन्फर्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, पावर विंडो एक्सेस होना है या नहीं लॉक स्क्रीन पे, उसका स्क्रैम्बल लेआउट और क्यूक अनलॉक भी मिलता है। फिंगरप्रिंट के रिस्पांस की बात करें तो वो आपको जो प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सही है। साथ साथ यहाँ पे फेस अनलॉकिंग भी आपको जो प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे प्राइवेट स्पेस जो कि एंड्रॉयड 15 में ऐड हो चुका है सभी के अंदर, वो आपको मिलता ही मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिवाइस इनक्रिप्टेड, जो कि अच्छी बात है। बाकी वही कॉमन सी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नज़र नहीं आता। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम, जहाँ पे आपको दिखाई देगा जेस्टर्स से रिलेटेड कुछ कॉमन से ऑप्शंस वगैरह, जैसे कि 100 यहाँ पे टैप टू वेकअप का ऑप्शन मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट, क्विक टॉर्च, प्लेबैक और प्राइवेट रिंगिंग भी आपको मिलता है। ये है इसका अपडेटर, जहाँ से अपडेट आया है नहीं वो चेक कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे सिस्टम डायग्नोसिस अभी फिलहाल सभी एंड्रॉयड में आने लग गया है 15 के साथ, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेगा और गेम बार दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेटर कर सकते हो और आपका प्रॉपर काम करता है, कोई भी ग्लिच वगैरह यहाँ पे नहीं दिए गए और बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं जो कि गेमिंग के टाइम पे आप है जो यहाँ पे ओवरले ऑन करके चेक कर सकते हो, टेम्परेचर, यूजेज वगैरह और बाकी अदर FPS वगैरह भी, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर स्टाइल, जहाँ पे अगर आप इन करोगे मोर वॉलपेपर पे तो AI वॉलपेपर का भी बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप खुद से वॉलपेपर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जो कि सबसे पहले आपने ये हाइपर ओएस के अंदर देखा होगा, अब यहाँ पे भी आ चुका है और कुछ एक्स्ट्रा वॉलपेपर भी आपको मिलते हैं। और बाकी वहीं पे कॉमन से शॉर्टकट्स वगैरह के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन के अंदर के डायनेमिक क्लॉक्स वगैरह मिल जाता है, ऑलवेज ऑन वगैरह के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की तो ऑटो ब्राइटनेस हमारा फुल्ली वर्किंग रह जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको डार्क मोड के अंदर प्योर ब्लैक का ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। साथ साथ आइकन मैनेजर आपको देखने को मिलता है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से टाइमिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बैटरी का परसेंटेज वगैरह भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे रोटेशन है, हाई टच पॉलिंग रेट है, टैप टू स्लीप है, यहाँ पे डिस्प्ले सैचुरेशन वगैरह है और यहाँ पे HBM दिया गया है जो कि ब्राइटनेस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। साउंड के प्रोफाइल में इन करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल साउंड की सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, साथ साथ क्लियर स्पीकर वगैरह है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी वो है डॉल्बी, मे बी आने वाले टाइम में ऐड हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं और ये कूल डाउन का भी एक नया फीचर्स आ गया है जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। जब आपके बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगे बैक टू बैक तो ये वॉल्यूम को डाउन कर देगा ताकि नोटिफिकेशन से डिस्टर्बेंस आपको ना हो, और कुछ मिनट के बाद ये फिर से जो उसे नॉर्मल कर देगा। लेकिन इसी बीच में आपका कॉलिंग और अलार्म वगैरह का वॉल्यूम डाउन नहीं होता, तो एक आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, यानी काम तो करता है बट आपको डिस्टर्ब नहीं करता,
कॉलिंग वगैरह से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे आपको नेटवर्क ट्रैफिक के ऑप्शन मिलते हैं और यही बेसिक सेटिंग है जो कि पिछले टाइम भी हमने है जो आपको दिखाया था काफ़ी लंबे टाइम पहले, और एंड्रॉयड फिटमेंट में सब कुछ सेम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जो स्मूथनेस वगैरह है वो रियल में काफ़ी सुपर्व है। और रही बात परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे BCR भी दिया गया है जिसकी हेल्प से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आपको पता है गूगल में अनाउंसमेंट आ जाता है तो ये उसे बाईपास करता है। अब आते हैं टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले मैंने इसे चार्जिंग पे डाला जहाँ पे आप देखो 16 मिनट में 33% गया है, और ये चीज मुझे यहाँ पे काफी सही लगा। अनटूट स्कोर काफी ज्यादा टॉप नॉच है, ऐसा रिजल्ट मैंने आपको बहुत कम ही रोम में शो किया होगा, मैक्सिमम में 70 के आसपास रहता है बट ये 82 गया है और ये काफी सही है। और हीटिंग भी इसने ज्यादा गेन नहीं करा। वहीं पे गीकबेंच काफी सही है, लेकिन थोड़ा सा सेटल होने के बाद रोम हमारा है जो यहाँ पे एक बेहतरीन रिजल्ट शो करता है गीकबेंच के मामले में। और सेम यहाँ पे देख सकते हो CPU टोटल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रोम सेटल होता है उसके बाद आप देखो इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड और बेटर हो जाता है, जो कि आपको पसंद आने वाला है। कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, नो इशूज, फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता है बाय डिफॉल्ट, साथ साथ सर्कल टू सर्च भी यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका काम करता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे एक चीज़ की इशू लगी मुझे जो कि मे बी नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा, वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन का, जो कि यहाँ पे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बेसिक वाला है। बाकी इसमें जो दिक्कत आएगी आपको बैंकिंग वगैरह के अंदर, जो कि सबसे बड़ा इशू है अभी के टाइम के लिए। और गेमिंग में आपका है जो एक्सट्रीम प्लस अनलॉक रहता है, बट यहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम अनलॉक नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट, और ये पिक्सल वॉइस है तो ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलती, आपको पता है ये ऑलरेडी, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगा आपको शायद इशू लगे। और यहाँ पे बूट लोडर का जो प्रूफ वाला आप लोग ढूंढते हो ना वो यहाँ पे नहीं है, अनलॉक शो करता है। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन रही बात इसे डालना कैसे है, तो आप अपने फोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स डालो, उससे जो पिक्सल वॉइस को फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो, या फिर आप ADB साइड लोड के मेथड से भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको FW इंक्लूड मिलता है, अलग से डालने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से एक छोटा सा इशू आता है कि जब आप सेटअप करोगे फर्स्ट टाइम पे तो नीचे जैसे ये 1, 2, 3 वाले बटन है, ये बैक का बटन है, यहाँ पे सर्च का बटन है, ऐसे जब बटन आएंगे सेटअप के टाइम पे जो कि स्किप का होगा, ऑफलाइन सेटअप वगैरह का होगा, या पासवर्ड डालते समय, तो वो काम नहीं करेंगे, आपको फोर्सफुली यहाँ पे क्लिक करके काम करवाना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब सेटअप आपका हो जाएगा कंप्लीट तो ये दिक्कत आपका नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा टच अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन यही चीज़ आपके सेटअप के टाइम पे नीचे का एरिया बहुत दिक्कत से काम करता है टच के मामले में। और ये हमारा हाइपरोस जो 2 आया है इस डिवाइस के लिए ना, उसका है जो FW इसमें इंक्लूड है, जिसकी वजह से दिक्कत करता है। लेकिन आप ऐसे एक बार सेटअप कर लोगे उसके बाद ये UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, और परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखाई दिया कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे अगर टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में परसेंटेज भी ऐड किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इस तरीके से आपका जो ब्राइटनेस वगैरह लो एंड हाई होगा। तो यही से टोटल रिजल्ट, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने इसे ऑलरेडी यूज कर लिया है तो, या यूज करने वाले हो तो, कि ये रोम आपका कैसा बिहेव करता है। और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है, प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को लाइक करने के बाद, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो जो लाने के लिए। लेकिन आपका जब सपोर्ट नहीं आता, व्यूज कम आते हैं ना, तो मन छोटा हो जाता है, वीडियो देने का मन नहीं करता, इसलिए कर दिया करो। ओके, फिर भी आपको डाउट है कि इंस्टॉल कैसे करना है, कन्फर्म नहीं हुआ जो मैंने आपको बताया, तो मैं एक प्रॉपर गाइड वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे फॉलो करते हुए आप इसे डाल पाओगे अपने फोन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।